हमको प्यार कितना। तो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा का अर्थ ही है कि कोई पास्ट का संस्कार न अपने में रहना चाहिए न ये भाषा चलनी चाहिए, तब कहेंगे बाप समान बने। ये कभी भी बाबा वाणी में नहीं कहा राम का संस्कार ऐसा था, रावण का, रावण का संस्कार ऐसा, यह भाषा आएंगी, पर राम का संस्कार है यह भाषा कभी नहीं बोली जाती। तो जब हमारा सभी का रावण से मुंह मोड़ दिया तो रावण की हमारे पास में क्यों संस्कार की आग प्रज्वलित होनी चाहिए? इस रावण के संस्कार को मारने वाले को ही योगी तू आत्मा कहा। कहीं कहेंगे, मैं अपनी बात सुनाती, अगर कोई कहे कि दादी दादी का ये संस्कार है, मेरा पुरुषार्थ ये रहता है, ये भाषा सुनना मैं समझती हूँ ज्ञान की इंसल्ट है, ये शब्द सुनना ज्ञान की बदनामी है, अब तक भी कोई कहे कि फलानी का यही संस्कार है तो बाकी मैंने क्या अपने को परिवर्तन? जब बाबा के लिए नहीं कहते तो हम बच्चों क्यों अपने में ये कहें? जब बाबा ने हमारे को परिवर्तन कर दिया तो ये जो भाषा कोई बोलते अभी तक क्या करें, अपौत्रता का सूक्ष्म संस्कार रहता। मैं ऐसी भाषा को अगर जब सुनती भी हूँ मैं समझती हूँ ये ज्ञान की इंसल्ट है। शायद आप मेरी इस बात पर सूक्ष्म में हंसो, मैं अपने पुरुषार्थ की बात सुने, मैं समझती हूँ ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मेरे चरित्र पर कोई अगर आंच उठाता तो मुझे बड़ा बुरा लगता, तो वैसे मैं समझती हूँ ये भी तो चरित्र की भाषा पर आंच। अब तक भी अगर कहीं मेरे में थोड़ा माया का संस्कार है तो क्या तू योगी तू आत्मा नहीं होना? तू बाप का बच्चा अपने को कहलाते होना? फिर कोई सवाल कहते बाबा से दिल का लगन क्या है, लगन वाला, और कहे मेरे में अभी तक भी रावण बैठा है, तो मैं पूछती हूँ वो लगन हुई क्या? नहीं। बल एक तरफ तो आप लोग कहेंगे हम जो है वो सच सुनाते, परंतु कई बार ऐसे भी आता कि सच की पालना मत करो, सच सुनाते राइट है, मन की बात कहते राइट है, लेकिन उसकी ये भी राइट राइट समझ के कोई संस्कार की पालना करते, ये भी एक थोड़े गुप्त रूप में माया की पालना चलती है। माया है, हाँ माया है, माया है, पर क्यों नहीं आज हम उसी अपनी स्थिति को बनाते जो कहीं नहीं कि ये माया है? क्या ऐसी स्थिति हम नहीं अपनी बना सकते? क्या कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा कहेंगे कि मेरे में माया है, या आप कहेंगे बाबा ब्रह्मा को भी तो माया थी? कहेंगे कोई? कोई कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हम बच्चे क्यों कहें कि ये माया है? आप कहेंगे बाबा मुरली में कहता हम माया तो आएंगी, तो जब कभी ऐसे कहते फिर मुझे आती है कि बाबा भी एक खिलौना देता है, हाँ बच्चे अच्छा माया है, लेकिन रियली कोई माया है नहीं। कौन सी माया है, किसको माया कहते? माया कोई छाया है, हाँ कोई छाया न समझ के माया माया करता हो तो हो सकता,
बाकी माया तो एक रावण की छाया, तो रावण की छाया को खुद क्यों पाला है? जब वो जानते हैं वो रावण की छाया है, आप उनको पीठ कर लो। एक छोटा खिलौना मिलता है, शायद किन्होंने देखा हो, के खिलौना है, जब सीता के सामने रावण आता तो वो पीठ करती, जब राम आता तो मुंह करती, एक खिलौना मिलता है। तो जब रावण को हमारी हो ही गई पीठ, फिर रावण की चर्चा क्यों करते? रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना।